नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। आज हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में, जानेंगे प्रतिदिन कितने विटामिन ए की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए, साथ ही जानेंगे क्या उपयोगिता है विटामिन ए की, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, और साथ ही जानेंगे विटामिन ए के स्रोत क्या है, किसमें कितना विटामिन ए होता है। तो बात करते हैं विटामिन ए कितना चाहिए हमारे शरीर के लिए। बच्चों के लिए विटामिन ए 3000 से 7000 यूनिट प्रतिदिन आवश्यकता होती है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए 7000 यूनिट प्रतिदिन विटामिन ए की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला के लिए 9000 यूनिट प्रतिदिन आवश्यकता होती है। विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। जानते हैं इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों चाहिए होता है। शरीर के पूर्ण विकास के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। हड्डी को बनाने के लिए तथा वृद्धि के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। रोग प्रतिकारक क्षमता शरीर में रहने के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पाचन क्रिया को ठीक रखने में सहायक होता है विटामिन ए। हमारी आँखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमारे त्वचा के स्वास्थ्य के लिए, स्किन के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। कैल्शियम का शोषण हो, जो हमने कैल्शियम लिया है वह हमारे शरीर में लग जाए, इसके लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जानते हैं अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, अगर 7000 यूनिट विटामिन ए प्रतिदिन हमें आहार से, भोजन से मिलता नहीं है, तो इसकी कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां आ सकती है। सबसे पहले आँखों की सारी बीमारियां जो है वह विटामिन ए की कमी से हो सकती है। मोतियाबिंद से लेके नेत्रों की ज्योति कम होना, अन्य सारे प्रकार की बीमारियां जो हमारे आँखों के रिलेटेड है वह हो सकती है। इसी के साथ साथ हमारे गुर्दे से रिलेटेड या मूत्राशय से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है विटामिन ए की कमी से। बच्चों में उनका ग्रोथ रुक जाता है, दांत देरी से निकलते हैं। इसी प्रकार गलगंड की समस्या भी हो सकती है, वजन घटता जाता है, खांसी हो सकती है, क्षय रोग यानी कि टीबी भी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। उसी प्रकार हृदय रोग भी आ सकते हैं विटामिन ए की कमी से। हमारे स्नायु जो है वो दुर्बल बन जाते हैं, शरीर कमज़ोर बन जाता है। तो अन्य सारे प्रकार की समस्या भी विटामिन ए की कमी से आ सकती है। तो अब देखते हैं विटामिन ए के क्या क्या स्रोत है या किसमें कितना है विटामिन ए। सबसे ज़्यादा विटामिन ए धनिया में पाया जाता है। लगभग 100 ग्राम धनिया में 11530 यूनिट विटामिन ए मिल जाता है। उसके बाद पालक में लगभग 100 ग्राम पालक में 9300 यूनिट विटामिन ए पाया जाता है। चौलाई के साग में 9200 यूनिट विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद पके आम का नंबर आता है, पके आम में 4570 यूनिट विटामिन ए मिल जाता है। कच्चे आम में काफ़ी कम मात्रा में होता है, 150 यूनिट होता है। उसके बाद दूध में 180 यूनिट विटामिन ए मिल जाता है। पनीर में 455 यूनिट विटामिन ए मिलता है। मछली के तेल में लगभग 2200 यूनिट विटामिन ए होता है।
फूल गोभी में 330 यूनिट, हरी मिर्च में 291 यूनिट, मांस में लगभग 1300 यूनिट और गाजर में 3150 यूनिट, बंद गोभी में 2000 यूनिट और पुदीने में 2700 यूनिट विटामिन ए पाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी विटामिन ए के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। विटामिन ए की प्रतिदिन आवश्यकता क्या है, इसके कमी से क्या समस्याएं आ सकती है और क्या स्रोत है विटामिन ए के, उसके बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।